हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द क्राबी सीरीज। क्राबी में आज हम जा रहे हैं फोर आइलैंड टूर पे। क्राबी के आसपास चार बहुत खूबसूरत आइलैंड्स हैं जिनका हम एक बोट टूर करेंगे। इस टूर की बुकिंग हमने करवाई थी अपने रिसोर्ट दुसित थानी के पास में ही एक टूर बुकिंग ऑफिस से। मैंने दुसित थानी के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको ये बताया था। टूर के लिए चेक इन करने के बाद हमारे पास काफी टाइम बचा है, जब तक दूसरे होटल से दूसरे गेस्ट भी आ रहे हैं जो हमारे टूर को ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर इस पियर को और यहाँ के विजिटर सेंटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पियर पर इन सारी बोट्स को देखना कितना सुंदर लगता है। हमारी बोट तो स्पीड बोट है, लेकिन मुझे ये लॉन्ग टेल बोट्स बहुत अच्छी लगी, खास करके ये रंग बिरंगी जब एक साथ खड़ी होती है तो। और यहाँ पर एक लग्जरी क्रूज शिप भी खड़ी है। अब हमारी टूर गाइड हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन दे रही हैं टूर के बारे में, जिसके बाद चलते हैं हमारी स्पीड बोट पर। रेडी फॉर द टूर। और वेव्स को क्रैश करती हुई हमारी स्पीड बोट आ गई है हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, जो कि है रेले बीच। रेले बीच फेमस है अपने इन बड़े बड़े लाइमस्टोन के माउंटेन क्लिफ्स के लिए, और यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए। रॉक क्लाइंबिंग तो खैर हम नहीं करने वाले, हम आगे चलते हैं इस रेले बीच को एक्सप्लोर करते हुए इसके दूसरी साइड फ्रानांग केव बीच पर पहुंचने के लिए। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बाथरूम्स हैं, लेकिन पेड है 10 बात में। अब हम आगे चलते हैं, और चलते चलते इस प्यारे से रास्ते पे मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ रेले बीच के बारे में। रेले एक्चुअली एक पेनिनसुला है। अब पेनिनसुला तो मेनलैंड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ इतने जायंट मैसिव ये जो लाइमस्टोन के क्लिफ्स बन गए हैं, इनके कारण ये मेनलैंड से एक्सेसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको बोट लेकर ही आना पड़ता है। रेले बहुत बड़ा है। अगर आप रेले पे ठहरना चाहते हैं रात में, तो आपको जाना है वेस्ट रेले पे। वहाँ पर रिसॉर्ट्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स भी है वहाँ पर। लेकिन हम जहाँ पे हैं वो है ईस्ट रेले। वेस्ट से ईस्ट रेले जाने के लिए भी आपको बोट लेनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह माउंटेन क्लिफ्स हैं। इस फोर आइलैंड टूर के हर स्टॉप पे हमें इस तरह से कुछ टाइम देके इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाएगा। आप टूर गाइड के साथ भी चल सकते हैं, या फिर आप अपने आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको टाइम बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ कितने बजे वापस पहुंच जाना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि खुद से एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और होता है, खास करके जब ऐसे लाइमस्टोन केव्स हों। इन ऊंचे ऊंचे लाइमस्टोन फॉर्मेशंस को देखते देखते हमारा रास्ता कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और अब हम पहुंच रहे हैं एक हिडन बीच पे, जो कि है फ्रानांग केव बीच। ये बीच दोनों तरफ से बहुत मैसिव जायंट लाइमस्टोन क्लिफ्स से घिरा हुआ है, और यहीं पर है फ्रानांग केव, या जिसे प्रिंसेस केव भी कहा जाता है। और लोकल्स यहाँ पे फर्टिलिटी के लिए प्रेयर्स ऑफर करते हैं। फ्रानांग के ब्यूटीफुल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस और प्रिस्टीन बीच को गुडबाय करके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है चिकन आइलैंड। पहले तो पानी में ही बोट को एक ऐसी जगह पर रुका दिया गया जहां से हम इस आइकॉनिक चिकन के हेड वाले शेप के रॉक के आगे अपने फोटोज ले सके। और हमें लगा कि चिकन आइलैंड का बस एक्सपीरियंस इतना ही रहेगा, लेकिन उसके बाद हमें ले जाया गया एक बहुत ही यूनिक जगह पे।
इस जगह को कहते हैं थाले वाइक, जिसका मतलब होता है सेपरेटेड सी। एक्चुअली जब लो टाइड होता है, पानी नीचे चले जाता है, तो सैंड की ये स्ट्रिप बन जाती है। ऐसे लगता है ये समुंदर को सेपरेट कर रही है और दो आइलैंड्स को ज्वाइन कर रही है, चिकन आइलैंड और टप आइलैंड को। ये दोनों आइलैंड्स यहाँ से दिखते हैं। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम दिया जाता है रिलैक्स करने के लिए, स्विम करने के लिए, पानी में एंजॉय करने के लिए और आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ से हम चल दिए अपने फोर आइलैंड टूर के लास्ट स्टॉप के लिए, जो कि है पोडा आइलैंड। पोडा आइलैंड का ये जायंट रॉक फॉर्मेशन बहुत फेमस है, यहाँ के हर फोटोज में आपको ये दिखाई देगा। और पोडा फेमस है एक बढ़िया एक्टिविटी के लिए, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पोडा के काम और ब्यूटीफुल वाटर स्विमिंग और स्नॉर्केलिंग दोनों के लिए ही फेमस है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे स्नॉर्केलिंग के लिए कोरल रीफ्स बिल्कुल बीच के पास ही हैं, शोर के पास ही हैं। यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। रीफ्स में हमें बहुत सारे तरह की कलर्स की और साइजेस की फिश और ईल्स भी दिखाई दी। अगर आप एक बिगिनर लेवल की इंडिपेंडेंटली स्नॉर्केलिंग करना चाहते हैं, तो पोडा आइलैंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आपको स्नॉर्केलिंग इक्विपमेंट, लाइफ जैकेट, सब कुछ टूर में इंक्लूडेड रहता है। और इतनी स्नॉर्केलिंग के बाद जम के भूख लग गई थी। खाना बहुत बढ़िया था, वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत टेस्टी थे। मैंने सब कुछ दोबारा लिया है, मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था यहाँ पे। इस आइलैंड पर हमारा टाइम बहुत रिलैक्स था। घंटे भर की स्नॉर्केलिंग के बाद, खाना खाने के बाद, हमारे पास और टाइम था कि हम इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर सके। काले बादल आ गए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उससे मज़ा और बढ़ ही गया। हमारा मज़ा कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। आइलैंड पे जो जंगल है वो इतना घना है कि हल्की सी बारिश तो हमें फील भी नहीं हुई। ये आइलैंड काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर एक रिसॉर्ट भी है, यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड के ऑप्शंस हैं, कुछ शॉप्स भी हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और स्विमिंग इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इस आइलैंड पे वॉशरूम्स हैं। आइलैंड बहुत प्यारा है, आधे घंटे में आप पूरा आइलैंड घूम कर आ सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मिल रहा है भुट्टा। खैर, हमारा पेट तो भरा हुआ था, हमने किसी भी शॉप या रेस्टोरेंट से कुछ भी नहीं लिया, हमने बस यहाँ पे रिलैक्स किया, बीच का मज़ा लिया। और पोडा आइलैंड को कुछ देर और एक्सप्लोर करने के बाद टाइम आ गया था इस टूर को एंड करने का और वापस होटल जाने का। क्राबी फोर आइलैंड टूर को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत इजी टू डू टूर है, बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती। आप बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ, सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आप 3-4 बजे अपने होटल वापस भी पहुंच जाएंगे और शाम को फिर से कोई दूसरा प्लान भी बना सकते हैं। नहीं तो कई टूर्स इतने दूर दूर जाते हैं कि आप 6-7 बजे थके हारे वापस पहुंचते हैं। खैर, यहाँ से अब हम जा रहे हैं होटल वापस, क्योंकि कल के लिए दोबारा मैंने एक ऑफ बीट एडवेंचर प्लान किया हुआ है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। बाय।